हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। तो अमित जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, चला रहा है। ये देखिए, ये देखिए। तो अमित जो है वो गाड़ी चला रहा है जी, और बेटर चला रहे हैं हम पहले से। आज 10वां दिन का ये ड्राइविंग का फुटेज है, और इसके बाद अपन की बारी आएगी। और जब तक अमित गाड़ी चला रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये आपने अभी तिरुपति मंदिर देखा, यहां से जब हम लेफ्ट लेके आगे बढ़ते हैं तो एक नया और साउथ आर्किटेक्चर का टेम्पल यहाँ बनने लग रहा है, जिसमें अभी समय लगेगा। गाड़ी चलाने के बाद जब हम घर आ जाते हैं तो मैं सूप बना रही हूँ चने और मशरूम का। यहाँ पे प्याज भी इसके अंदर थोड़े से ऐड होंगे, और नींबू भी मैंने कट कर लिए हैं। जब ये मशरूम अच्छे से सोते हो जाए, पानी छोड़ने लग जाए, तो उसके बाद जो है इसके अंदर हम ये चने और चने का पानी दोनों ही ऐड कर देंगे, ताकि ये भी अच्छे से और अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाए। वैसे तो सूप जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही नजर आता है आपको। और यहाँ पे ये रेडी हो गया है, मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल करते हैं हम, और धनिया स्प्रिंकल के बाद ये हमारी दोनों की और माता जी की कटोरी जो है वो रेडी हो गई है सूप की। अब इसको पीना है, एंजॉय करना है। बहुत टेस्टी टेस्टी सूप बनाती हूँ मैं, आप भी बना सकते हैं इसी तरीके से घर पे। और अमित जी अभी बताएंगे टेस्ट करके। शक्ल तो वैसे दिख नहीं रही है तुम्हारी। वाह रवीना वाह। तो सूप तो पी लिया जी, बहुत टेस्टी था। अब हमने प्याज, टमाटर, आलू, मशरूम, मटर, ये सारी चीजें छील के कट करके रख ली हैं, और धनिया भी। अब हमें बनाने हैं पुलाव, नमकीन चावल। तो हम घी में छोंकेंगे इसको, ताकि बाद में घी ना ऐड करना पड़े खिचड़ी की तरह। बहुत टेस्टी टेस्टी पुलाव बनाएंगे। सबसे पहले घी ऐड करके इसमें, जैसे ये घी अच्छे से गर्म हो जाए, गर्म होना बहुत जरूरी है किसी भी तड़के के लिए, ऐसा रणवीर ने बताया था, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे। आप चाहें तो राई भी साथ में डाल सकते हैं, मैं भूल गई, बट जीरा डाल दीजिए। वो जब हो जाए तो हम इसमें प्याज और मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे प्याज को पकाना और भुनना बहुत जरूरी है। जब ये अच्छे से भुन जाए और इनका टेक्सचर और टेस्ट आने लग जाए, स्मेल आने लग जाए, अच्छी खुशबू, उसके बाद हम इसमें टमाटर, और टमाटर के बाद तो आपको नमक, काली मिर्च, हल्दी, और अगर आपको देगी मिर्च डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और धनिया वगैरह जो भी आपको ऐड करना हो एक्स्ट्रा में, ठीक है जी। बाकी इतनी चीजों के साथ भी ये बहुत अच्छा बनेगा। जब ये हो गया टमाटर भी अच्छे से, तो इसमें हम अच्छे से सारी की सारी सब्जियां, यानी मैंने तो सिर्फ आलू, मटर और मशरूम जो है वो ऐड किए हैं, आप और भी जो सब्जी आपके घर में हो, गोभी वगैरह, वो ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे चावल। ये चावल में जो पानी है वो नहीं ऐड करना, ठीक है। तो चावल ऐड कर लिए अच्छे से, और साइड में कोशिश कीजिएगा गर्म पानी जो है आप कर पाए। तो 1 गिलास चावल है ये, तो मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ इसमें। ऑल्दो मैंने चावल भिगो के रखे थे, बट 2 गिलास इज इनफ। तो बस इससे ज्यादा हम नहीं ऐड करेंगे। दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं चावल। तो जब ये हो जाएंगे, 2-3 सीटी में, 2 में हो जाएंगे वैसे, फिर हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए क्या बात है, मतलब वाह रवीना वाह, बहुत टेस्टी है। अब इनको एंजॉय करते हैं और फिर सो जाएंगे, और गुड नाइट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सुबह उठ के हम फ्रेश हो गए हैं, नहा धो लिया हूँ मैं, और अभी गरम गरम रोटी खाऊंगा, घी वाली नहीं खाऊंगा। मतलब ये मेरा गला जो है कि इसके ऊपर भी रोटी फूल गई है। ठीक है, तो मैं फटाफट खा लेता हूँ। और जो मशरूम और मटर और आलू थोड़े से बचे थे, सबकी मिक्स सब्जी बना दी माता जी ने। और वो अभी जो है मेरा गला अब ठीक है सूखी रोटी खा के, तो इसलिए मैं सूखी ही खाऊंगा, ठीक है। चलो, इसलिए ठंडी ना करते हुए रोटी को मिलते हैं आपसे जी। है आलू मटर मशरूम की सब्जी, और ये मेरी रोटी, खाना खाते हैं। चलिए बस थोड़ी लगाओ। वाह क्या बात है माता जी, वाह मस्त सब्जी बनी है दोस्तों। तो इसके बाद ये है जी मेरी प्लेट, जिसमें दही भी है और घी वाली रोटी है और सब्जी है और अचार भी है थोड़ा सा, और बहुत टेस्टी खाना बना है एज यूजुअल। उसके बाद हम जो है ड्राइविंग के, ये हमारा डे 11 हो गया, यानी 4 ही दिन बच गए हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अमित गाड़ी चला रहा है, मैं गाड़ी चला चुकी हूँ, तो अब अमित को ही चलाते हुए देख लेते हैं गाड़ी। दोस्तों 2 बज गए हैं, 5 बजे आपको ब्लॉग भी देखना है। चलिए जी दोस्तों, हम थोड़े से बिजी थे बहुत सारे कामों में सुबह सुबह। अमित आ जाओ ना, इतना दिमाग अमित खा लिया ना आज, दिमाग नहीं खा सकते। रेना जी ने खाना खाया बहुत सारा आज सुबह, ये बोल रहा था दोस्तों। हाँ तो पॉइंट ये है कि हम थोड़े बिजी थे, और हमने क्या बोलते हैं गाड़ी भी चलाई आए थे, आपने देखा 11वां दिन हो गया अमित, बस 4 दिन बचे हैं। उसके बाद दोस्तों सजेस्ट करो नई गाड़ी ले कि पुरानी ले।
हाँ बताइए आप, हाँ मतलब क्या करना चाहिए, नई गाड़ी लेनी चाहिए या सेकंड हैंड लेनी चाहिए, क्योंकि हम नवसिखिया लोग हैं, तो हम नवसिखिया लोगों के लिए क्या हमें पहले किसी सेकंड हैंड गाड़ी पे हाथ आजमान के मुझे लगता है उसको ठोक ठाक के ठीक करना चाहिए, ये अमित को लगता है। लेकिन मैं नई गाड़ी के हक में हूँ दोस्तों, तो आप किस हक में होते अगर आप हमारी सिचुएशन में होते? मैंने तो आप 5 दिन गाड़ी चलाई दोस्तों, मुझे लगा मैं तो हर एक चीज चला सकता हूँ। जब एक दिन का गैप आ गया ना, अभी संडे आया था रिसेंटली, 7वें 8वें दिन आई थिंक, उससे नेक्स्ट डे चलाई तो मेरे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो मुझे समझ आ गया अब कि हमें कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेके उसमें, ये अमित को लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक गाड़ी का अपना सेटअप होता है, जैसे हम जो गाड़ी चलाने जाते हैं ना, वो गाड़ी वाले की गाड़ी इतनी खटारा है, अमित डोंट डू दिस, मैं उसके उसके क्लच को छोड़, देखो क्लच छोड़ते ही छूटना चाहिए ना, वो छूट दोस्तों कौन बंदर ने इतने से मैं के साथ सिखाता है, ये बताओ कोई सिखाता है? सिखाने उसकी खटारा इसलिए क्योंकि वो सिखाता है, उसकी खटारा और उसने खटारा ही नहीं है रवि ना सिखाने के लिए लोगों को, तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए चलाने के लिए, ऐसा होता है। चलो ठीक है, आपका आपका क्या, आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, वो आप हमें कमेंट करके, फाइनेंशियली नहीं ले सकते आप, इमोशनल डिसीजन जैसे घर का होता है ना, घर लायबिलिटी है, लेकिन लोग उसे ये सिर्फ लायबिलिटी सोच के ऐसा तो नहीं करते कि नहीं लेते घर, कर लेते हैं, इमोशनल सेफ्टी सिक्योरिटी तो वही है, इसलिए नहीं होनी चाहिए गाड़ी, खटारा क्यों, गाड़ी के बिना चल जाते हैं, बाइक पे भी चल जाते हैं ए भाई। चलो ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को और भी काम है, सकते हो मेरे दोनों कान हल्के हल्के बंद है, तो मैं भी मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज गूंज रही है बहुत ज्यादा ना इसमें कानों में, ऐसे ऐसे तो मत बोलो ना, ऊपर से रेवेना जो भी बोलती है सीधा यहाँ लगती है, ऐसे बचाने पड़ते हैं रेवेना कान। तो दोस्तों इसी के साथ ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है, नहीं तो आप जो होगा वो आप देख नहीं पाएंगे, आगे का वीडियो अपने जोखिम पे देखे दोस्तों, इसी के साथ जिसे झेल, बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, और सजेशन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके इमोशंस क्या बोलते अगर आप हमारी जगह होते, आपने 11 दिन गाड़ी सीखी होती, तो क्या फाइनेंशियल एडवाइस दोगी, सेकंड हैंड गाड़ी या जो जिनके पास गाड़ी है वो फाइनेंशियली भी बता सकते हैं कि कौन सी किफायती रहेगी, किफायती 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 रहेगी दोस्तों। Thank you.